आईफोन 13 और 13 मिनी दोनों आ चुके हाथ में और ये काफी अलग लग रहे हैं। बॉक्स में भी काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे आईफोन अब हल्का सा उठा हुआ है और जो एक्चुअल कलर है फोन्स का वही बॉक्स पे जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे लोगो है, फिर यहाँ पे आईफोन लिखा हुआ साइड में, सब पे सेम कलर है। जो 13 सीरीज है उसमें व्हाइट कलर का बॉक्स है और जो प्रो वाले हैं उसमें ब्लैक कलर का बॉक्स है। और एक दो छोटी छोटी चीजें जो अगर आपने हमारे प्रो वाले की अनबॉक्सिंग देखी तो आपको पता होगा कि अब जो प्लास्टिक की रैपिंग आती है वो आपको नहीं देखने को मिलती, हल्का सा लेस सैटिस्फाइंग है बट अर्थ के लिए थोड़ा सा बेटर, तो आपको चल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी सारे ऐसे फीचर हैं जो प्रो सीरीज के आपको 13 सीरीज में देखने के लिए मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम काफी सारे मिसिंग भी है और सब छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट अनबॉक्सिंग भी कर ले। सबसे पहले आईफोन 13 मिनी, अभी भी सेम स्टिकर है बट ये जो पेपर है ये डेफिनेटली रिसाइकल फील हो रहा है और ये हर चीज में ही है। जो एक्चुअल फोन के साइड में एंटीना बैंड्स भी हैं एप्पल ने वो भी रिसाइकल करे हैं, तो हाँ जा रहे हैं कार्बन न्यूट्रल की तरफ। ये वाला यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग और इस बार भी कोई भी ईयरफोन्स नहीं है और कोई भी चार्जर नहीं है बट आईफोन है। नाइस, ये है आईफोन 13 मिनी और सबसे बड़ा चेंज ये थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा होगा, ये टूट नहीं गया, ये वाला नया मॉडल है। एक्चुअली हुआ क्या कि जो कैमरे का सेंसर साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा कर दिया, तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे करना पड़ा, बट जो बिल्ड है वो अभी भी एल्यूमिनियम है और काफी एक मैट फिनिश में काफी स्लीक सी लगती है, बट जो बैक साइड वो अभी भी एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और काफी शाइनी और रिफ्लेक्टिव सी है। और इसको अगर आपको कवर करना है तो हमारा सीक्रेट प्रोडक्ट जल्दी आने वाला है, बट जो कैमरे वाला एरिया वो अभी भी मैट फिनिश में और हाथ में पकड़ने में डेफिनेटली बहुत ही छोटा और बहुत ही स्वीट सा लग रहा है। बट ऑनेस्टली बताऊं ये कैमरे में हो सकता है आपको एक डार्क ब्लैक दिखे बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये एक डार्क ब्लू कलर है और साइड्स में भी हल्का सा ब्लू ऐड करा गया है, एकदम सीधा सीधा जिस कलर में हमने अपनी टी शर्ट लॉन्च करे उसी कलर में आईफोन में। ये वाला एक ग्रेश सा ब्लू है और ये काफी एक डीप डार्क ब्लू है, तो अगर मुझे टी शर्ट पे पसंद आएगा बट मेरे को पर्सनली ये वाला कलर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। बट दूसरा वाला एक्चुअली एक लाइट पिंक शेड में, इसमें भी सेम है यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है, उसके बाद एप्पल के स्टिकर और वही सेम पुस्तक है और ये है एप्पल का नया आईफोन 13। एक चीज और जो थोड़ी सी वियर्ड है, अगर आप फोन बंद में भी प्रो सीरीज को टच करोगे फिर 13 सीरीज को टच करोगे आपको फर्क पता चलेगा, बहुत स्लाइट सा है बट हाँ भाई नोटिसेबल है। पिछले साल का आईफोन 12 इंडिया में बहुत ही ज्यादा बिका था और ये वाला स्मार्टफोन भी उसका एक छोटा सा अपग्रेड है और बाकी सारी चीजें सही है बट ये पिंक कलर मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्यारा लगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सा ऑफ वाइट सा यहाँ पे एक शेड है, उसके साथ साथ जो साइड्स हैं वो काफी एक माइल्ड पिंकिश कलर है और दिखने में काफी सटल सा भी है, काफी प्यारा सा भी है, काफी सारे लड़कों को शायद ना पसंद आए बट लाइक हाँ हम खुद भी पिंक कलर के हैं भाई। बड़े टेढ़ा वाला कैसा लग रहा है भाई? पोल का फेस है। ओह बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि 12 सीरीज से डिफरेंट करने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। तेरा है पर मेरा है। नहीं नहीं नहीं, हाथ में पकड़ने में आपको हल्का सा वेट डिफरेंस फील होगा पर ये वेट डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा मोटे हो गए और उसके साथ साथ इसमें बैटरी भी इंक्रीज करी है, बहुत ही पतला सा मोटे हुए हैं। पतले से मोटे, वाह कितने परसेंट का फैट इंक्रीज हुआ होगा? मुझे लगा कि ये लोग डाइट भी कर रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं बल्किंग के लिए, बट इसकी वजह से बैटरी में डेफिनेटली काफी एक अच्छा इंक्रीज आता है। एप्पल ने एक्चुअली 13 में बोला था कि 2.5 आवर्स एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम और इसमें 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम, जो जितना हमने यूज करा उसमें भाई डेफिनेटली फील करा भाई, बैटरी डेफिनेटली 30-40% का अपग्रेड है इन स्मार्टफोन्स में। बड़ा भी थोड़ा सा टाइम हुआ, अच्छे से भी और टेस्ट करेंगे। ऐसी काफी सारी भी चीजें जो एप्पल ने एक्चुअली अपने लॉन्च इवेंट में मेंशन भी नहीं करी, जैसे ये मैक्सेफ वाला केस, ऑल्दो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है बट काफी वियर्ड सा भी लग रहा है भाई, सर्कल उसके नीचे एक एक्सक्लेमेशन मार्क और ये मिनी वाला इतना छोटा है कि एप्पल वॉलेट अगर आप लगाओ तो ऑलमोस्ट पूरा ही फोन ढक जाता है उससे, फोन पे अगर आप डायरेक्टली लगाओगे ना तो एक्चुअली वॉलेट हल्का सा बड़ा है फोन से, बट 13 में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉच भी जो है वो 20% छोटी कर दी गई और जो एप्पल के फोन यूज करते हैं उनको डेफिनेटली फील होगा, बेसिकली जो स्पीकर है उसको एकदम टॉप पे शिफ्ट कर दिया गया जिसकी वजह से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है, बट 2021 में इनको भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही बोला जाएगा और कोई भी स्मार्टफोन नहीं है फ्लैगशिप जिसमें इतनी बड़ी नॉच आ रही हो। डिस्प्ले में भी एक अपग्रेड है, ये दोनों XDR डिस्प्लेज हैं, बेसिकली बेटर कलर
कलर्स, बेटर डायनेमिक रेंज और वो हल्का सा फील होता है, बट डेफिनेटली ब्राइटनेस में वो चीज आप फील कर पाओगे। बट दोनों ही फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज नहीं देखने को मिलता, स्टिल क्योंकि एप्पल का सॉफ्टवेयर काफी फ्लूइड है, काफी फास्ट है और जो टच रिस्पॉन्स है वो डेफिनेटली काफी अच्छी है, इसकी वजह से आपको ज्यादा फील तो नहीं होगा, बट हाँ भाई 120 हर्ट्ज के मजे आप इन आईफोन्स पे नहीं ले पाएंगे और वो डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो आप एक्सपेक्ट करोगे 80,000 या फिर 70,000 के स्मार्टफोन के अंदर। और ये काफी ज्यादा वियर्ड चीज, ऑल्दो सारे स्मार्टफोन्स में सेम डिस्प्ले है बट क्योंकि मिनी की स्क्रीन काफी ज्यादा छोटी है तो जितने भी पिक्सल्स हैं वो सारे छोटी स्क्रीन पे हैं और ये सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी स्क्रीन है और सबसे ज्यादा शार्प डिस्प्ले इन चारों ही आईफोन्स में मिनी का है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका में आपका स्वागत है। एक चीज और जो एप्पल ने नहीं बताया था, जो साउंड है उसकी क्वालिटी में एक काफी बड़ा अपग्रेड है और जो लाउड है वो भी डेफिनेटली बेटर है और ऑल्दो फॉर्म फैक्टर काफी छोटा सा है बट स्पीकर्स एक्चुअली काफी अच्छे हैं। थर्टीन में ऑफकोर्स मिनी से थोड़ा लाउड है बट सारी स्मार्टफोन्स में साउंड काफी अच्छी है। आईफोन 12 से जितने भी लोग अपग्रेड कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा बड़ा फर्क कैमराज में दिखने वाला है। दोनों ही सेंसर 12 मेगापिक्सल के, दोनों में ही सेम कैमरा सेंसर है और दोस्तों हम हिलते डुलते रहते हैं, इसमें भी सेंसर अब हिलने डुलने लगेगा। ये पिछले साल खाली प्रो सीरीज के लिए था बट अब इसमें भाई सेंसर लेवल स्टेबिलाईजेशन ऐड हुई। हम भी चेक कर लेते, देखते हैं कैसा रहता है। सबसे पहले एक वाइड में फोटो खींचेंगे, फिर एक थोड़ी सी जूम करके, ये वाली हमारी नॉर्मल 1x में और इसमें काफी अच्छी डिटेल आ रही है और जो वाइड में भी फोटो आई है वो भी काफी इंप्रेसिव है पुराने वाले से, क्योंकि पहले वाइड और प्राइमरी में फर्क रहता था बट अब प्रो वाली सीरीज में भी और ये 13 सीरीज में भी वाइड एंगल को डेफिनेटली काफी इंप्रूव कर दिया गया। प्रो में टेलीफोटो वाला सेंसर है, इसमें वो नहीं है बट चारों ही स्मार्टफोन्स में सिनेमैटिक मोड आपको देखने में मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड में काफी अच्छा सा एक सॉफ्ट सा ब्लर आ रखा है। जैसे वेदांत की अभी फोटो ले रहे हैं, अगर हमको फोकस करना हो लोगों के ऊपर तो हम लोगों पे कर सकते हैं, वापस वेदांत पे करना तो काफी एक अच्छा सा स्मूथ सा ट्रांजिशन रहता है। बट दोस्तों सारी चीजें सही है, मकसद पे फोकस हमेशा रहना चाहिए। अभी जैसे कि आप देख सकते हो वेदांत फ्रेम में नहीं है, वेदांत फ्रेम में इसके फ्रेम में ऑलमोस्ट आने से पहले ही एक्चुअल ब्लर करना पूरे बैकग्राउंड को स्टार्ट कर देता है। काफी छोटे छोटे टचेस हैं बट ये डेफिनेटली ऐड करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फी, और तो एप्पल ने सेल्फी के बारे में ज्यादा बताया नहीं बट इसमें भी डिटेल में और जो नाइट में अगर आप फोटोज खींचते हो तो उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। पर एक चीज और एप्पल ने अपनी प्रेजेंटेशन में नहीं बताई, वो है कि सिनेमैटिक मोड खाली बैक वाले कैमरे में नहीं फ्रंट वाले कैमरे में भी है और काफी तगड़ा काम करता है भाई। जैसे अगर मैं मोड़ के मानस को देखूं तो मानस को फोकस कर लेगा और वापस देखूंगा तो वापस मेरे ऊपर कर लेगा। स्टोरीज के लिए भाई, मूवी वूवी बनाने के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट करने, ये डेफिनेटली काफी एपिक सा है भाई। प्रो सीरीज में वाइड एंगल कैमरा है, उससे आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो, मतलब एकदम पास से घुस के फोटो भी ले सकते हो बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर मैं बहुत ज्यादा पास जाऊं तो इसको ये फोकस में नहीं ले पा रहा है और तो ज्यादातर लोग मैक्रो फोटोज खींचेंगे भी नहीं बट मैंने सोचा छोटी सी चीज है बट बता देते। अभी एक्चुअली सारा उजाला है बट हमने रात में काफी सारी फोटोज खींची थी और हमने ऐसे नॉर्मली ऐसे फोटो खींची थी बट जैसे कि आप देख सकते हो कार पूरी अच्छी क्रिस्प आपको दिख रही है बट जो रोड है वो काफी ब्लर हो गई। ये काफी एपिक सा इफेक्ट होता है और काफी मुश्किल से आ पाता है बट इसमें नॉर्मली भी अगर आप फोटोज खींचोगे या फिर वीडियोस बनाओगे रात में भी काफी अच्छी क्वालिटी आ जाती है। तो हाँ भाई, रात में फोटो खींचना डेफिनेटली इन आईफोन्स पे एक अपग्रेड है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परफॉर्मेंस की भी टेस्टिंग कर ली जाए। सारे आईफोन्स में A15 बायोनिक प्रोसेसर है, एक्चुअली थोड़ा छोटा सा है, मेरे हाथ के पाम में काफी आराम से फिट आ जाता है। ऑल्दो छोटा है बट जो परफॉर्मेंस है भाई वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है और हाथ काफी अच्छे से ग्लाइड हो जाता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गेम खेलने में। बट हाँ भाई, मेरे हाथ काफी ज्यादा बड़े हैं और उस हिसाब से मेरे को हल्का सा क्रम्बल्ड सा फील होता है गेमिंग में। आईफोन 13 पे भी ट्राई करें देखते हैं भाई। ओ भाई आईफोन 13 पे अल्ट्रा HD पे हम अल्ट्रा सेटिंग भी कर रहे हैं, इस पे भी स्मूथ पे 90 FPS अवेलेबल नहीं, इस पे गेमिंग थोड़ा सा मेरे लिए बेटर है। ओ भाई क्या मोमेंट मार रहा हूँ, ऑल्दो मैं काफी ज्यादा पिट रहा हूँ बट परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी अच्छी है। जो आप एक्सपेक्ट करोगे एक न्यूली रिलीज आईफोन के साथ, कोई भी जिटर कोई भी लैग आपको बिल्कुल भी नहीं फील होगा। ऑल्दो एक 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले बट तब भी काफी ज्यादा स्मूथ है, चाहे पबजी खेलनी है, कोई गेम खेलनी है, नॉर्मल लैब्स करनी है। पिछले साल के जो आईफोन 12 और 12 मिनी थे उनमें सबसे बड़ी दिक्कत बैटरी की थी और इस बार उसमें काफी बड़ा अपग्रेड करा गया है। जो 13 मिनी भी है उसकी भी बैटरी लाइफ काफी इंप्रूव लग रही है और जो 13 है उसमें डेफिनेटली काफी बड़ा जंप है।
आईफोन 13 मिनी का प्राइस 70,000 रुपीज है और जो आईफोन 13 है उसका प्राइस 80,000 रुपीज है। बट जो बेस मॉडल है पिछली बार 64 से स्टार्ट होता था, बट अब सेम प्राइस में आपको 128 GB वाला मॉडल मिलेगा। जिन लोगों के पास आईफोन 12 पहले से है उनके लिए ये छोटा सा अपग्रेड होगा, बट अगर कोई भी आईफोन 10, आईफोन SE या किसी और स्मार्टफोन से अपग्रेड कर रहा है तो उनके लिए डेफिनेटली एक बड़ा अपग्रेड होगा। बट क्योंकि 13 लॉन्च हो गया तो आईफोन 12 भी डिस्काउंटेड प्राइस पे काफी एक अच्छी डील हो सकता है काफी लोगों के लिए। तो हाँ भाई, हमको इन दोनों स्मार्टफोन्स को टेस्ट करने में काफी ज्यादा मजा आया और इनके फुल रिव्यूज भी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं उनको टेस्ट करने के लिए। सारी चीजें अंदर तक घुस के आपको बताया जाएगा और इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।